कंफ्यूजन के साथ तुमको रास्ता दिखाता हूँ, जस्टिस को दिखाता हूँ। अगर तुम इसका रास्ता फाइंड कर लोगी, वी विल गिव यू क्लूज। तो तुमको क्लूज करके अपने रास्ते को खुद चूज करना है, फाइंड करना है। इजी नहीं है, यूनिवर्स इज प्लेइंग ट्रिक। अब जैसा जिसका लेसन है। अब टू ऑफ वॉन्स के साथ रास्ते तो हैं, पर रास्ते को खोजने में मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करोगे तो जस्टिस भी मिल जाएगा। सो ये भी यहाँ पे भी चैलेंज है, मैंने इंटरेस्टिंग चैलेंज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है, क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव ही है ना। तो यही वही चीज है जो बार बार आपको एनर्जी फील हो रही थी ना, कि रास्ते पे तो मंजिल पे तो जाना है, मंजिल पे तो जाना है, ड्रीम्स पे तो जाना है, पर रास्ता ही नहीं दिख रहा है। यस, रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता इतना क्लियर नहीं होगा, बट आपको खोजना होगा। खोजोगे तो रास्ते दिख जाएंगे, मंजिल भी मिल जाएगी। ऑल राइट, अभी क्या हो रहा है? होपफुल तो काफी है, नाइन ऑफ कप्स है, शी इज होपफुल ऑफ मेकिंग हर विशेस कम ट्रू, एंड वाई नॉट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि बार बार स्टार का कार्ड उसके शफलिंग में आ रहा था, तो कहीं ना कहीं होप बहुत स्ट्रांग है, विश फुलफिलमेंट चाहती है। ये इसका होप का कार्ड है, शी इज होपफुल कि उसके सारे विशेस पूरे होंगे। और जब आप होपफुल है कि पॉजिटिव है कि आपके विशेस पूरे होंगे, तो इसका मतलब है कि यू आर रीचिंग आउट फॉर द स्टार्स। तो इसीलिए पॉजिटिविटी है, इसीलिए यहाँ पे भी जस्टिस शो हुआ है। बट यस, वहां पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, रास्ते खोजने पड़ेंगे, रास्ता खोज के उस जस्टिस के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। अब और क्या चीज हमको दिख रहा है? यस, कुछ एस ऑफ कप की बिगनिंग चाहती है, पर समझ में नहीं आ रहा है ये बिगनिंग होगा कैसे। वही चीज है कि हम स्टार तक पहुंचना चाहते हैं। तो मार्च की एनर्जी जिया के लिए वही है कि हम कुछ चाहते हैं, स्टारी मोमेंट चाह रहे हैं, हमको जस्टिस चाहिए, मुझे विश फुलफिलमेंट पूरा फुल टोस ऑन इन योर होप लेवल। पर हाउ विल इट हैपन? दिस इज हाउ विल इट हैपन? हाउ विल दिस न्यू बिगिनिंग कमिंग कम विच विल लीड मी टू जस्टिस? रास्ते कैसे खुलेंगे? मैं तो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हूं, तो वही है। लाइक टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, एक्सक्यूज मी, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स कुड बी नॉट मीटिंग द राइट पीपल, इस तरह की कुछ चीज हो सकती है। हाउ विल शी मीट द राइट पीपल हु विल गिव अ गुड स्टार्ट टू अ करियर? आगे बढ़े वो कैसे होगा ये? या इसीलिए तो इतनी थॉट्स में स्कैटर्ड है ना वो यहाँ पे, क्योंकि उसको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑपरेट कहाँ, देखो उसके मन मस्तिष्क में मार्च में बस बिल्कुल ड्रीम्स ही ड्रीम्स एंड ड्रीम्स है, ड्रीम्स पे फोकस्ड है, एंड शी बिलीव्स कि हर विश कैन बी फुलफिल्ड। पर ये उल्टा क्यों है? क्यों? क्योंकि इसको यहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो काफी अपने थॉट्स में इधर उधर ट्राई कर रही है, क्या करना सही रहेगा, नहीं करना सही रहेगा। प्लस ये और स्कैटर्ड क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्ट से जहां से आ रही है वो हैप्पी डैपी पास्ट नहीं है, यहाँ पे चैलेंजेस हुए थे। किस तरह का चैलेंज हुआ था? कोई चीज जो उसने एक्सपेक्ट की थी कि होगा वो नहीं हुआ, तो वहां से एक इमोशनल लॉस तो है ही यहाँ पे। बट एनीवेज, अभी वो बहुत दिमाग लगा रही है क्या करे नहीं करे, ये करे वो करे, थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी यहाँ पे है। बट एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है, ठीक है? हालांकि वो ऐसा बिलीव नहीं कर रही है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी आ पाएगा, बट यूनिवर्स उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो यस, शी नीड्स टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। रास्ते इतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसा कि उसका पास्ट का भी गाइडेंस था, तो जस्टिस आपको जरूर मिल रही है, वो चीज हम देख रहे हैं। और दो कार्ड है यहाँ पे जो हमें, एक तो टू ऑफ कप्स इन रिवर्स कॉन्शियस लेवल में फील कर रही है, गोइंग फॉरवर्ड टेन ऑफ सोर्ड से बाहर आ रही है। टेन ऑफ सोर्ड से बाहर क्यों आ रही है ये? टेन ऑफ सोर्ड तो उसने एड्रेस वैसे कर लिया था, बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या ये, क्या ये जो टू ऑफ कप्स है कॉन्शियस लेवल में, शायद किसी रिलेशनशिप का जो इम्पैक्ट हुआ है ना। यहाँ पे देखो फोर ऑफ वॉन्स, अभी भी मन मस्तिष्क में टू ऑफ कप्स इन रिवर्स ही चल रहा है। ओके, कुछ रिलेशनशिप जो सही नहीं हुई, शायद यहाँ पे कुछ सही करना चाहते थे जो सही नहीं हुआ, अभी भी वो दिमाग में चलता है। तो ये करियर पर्सनल लेवल पे, जो इमोशनल लेवल पे किसी रिलेशनशिप के कारण जो लॉस फील हुआ है, हर्ट फील हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है।
पर ये न्यू बिगिनिंग आने से करियर में इससे बाहर तो निकल रही है, यानी कि कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि इमोशनल रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पे जो एक रिलेशन एक्सपेक्टेशन था रिलेशनशिप में वो मीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो रिलेशनशिप में मिसअलाइनमेंट आई ही है, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए हैं जिसके कारण काफी बिट्रेयर फील कर रही थी, हर्ट फील कर रही थी, लेकिन फोकस क्या कर रही है अपना यहाँ पे नहीं डालने का, अपने करियर पे डालने का फोकस कर रही है। पर वो फोकस डालने पे भी ना उसको क्लैरिटी तो खोज रही है सबकॉन्शियस लेवल में कि कैसे यहां पे अपने ड्रीम्स को पूरे कर जाए। अब ये क्यों कर रही है, अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी कर रही है, अपना उसका अटेंशन ये जो मिसअलाइनमेंट हुई है रिलेशनशिप में उसमें ना चला जाए, ये जो पास्ट का अनहैप्पीनेस हुआ है उसमें ना हो जाए, इसीलिए दौड़ भाग करके अपनी एनर्जी को उधर फोकस करने की कोशिश कर रही है कि यहां पे ये वर्लपूल में ना खिंच जाए, है ना। तो एक न्यू बिगिनिंग इसके लिए आ रहा है, और ये बिगिनिंग बेसिकली इसकी जो दुख दर्द तकलीफ है ना रिलेशनशिप लेवल पे, उससे इसके अटेंशन को भटका के अलग करने की कोशिश है इसकी, और फिर वहां पे जस्टिस भी है। तो समझ में आ गया ना आपको कैसे न्यू बिगिनिंग चाह रही है, पर कैसे होगा, सबकॉन्शियस लेवल में क्लैरिटी खोज रही है कैसे करूं, कैसे टैकल करूं सिचुएशन को, तो वो चीजें हैं। बेसिकली शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस मिसअलाइनमेंट जो फील कर रही है वो कॉन्शियस लेवल पे, एक रिलेशनशिप में मिसअलाइनमेंट फील कर रही है, एंड शी वॉन्ट्स अ सोल्यूशन टू दिस एट अ सबकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियसली तो एटीट्यूड में इसको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू गो अबाउट इट, रास्ते भी दिख नहीं रहे, पर रास्ते भी हैं, मंजिल भी मिलेगी जस्टिस के साथ, बट यस। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे, विजडम विजडम विजडम। चलो ठीक है, एक कार्ड देख लेते हैं। जिया का एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, थैंक यू डियर एंजल्स। या शी इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड शी वांट्स सक्सेस, देख रहे हो ना, ये यूनिवर्स उसके लिए बैक ऑफ द डेक पे लेके आ रहा है जस्टिस के फॉर्म में, बट यूनिवर्स क्या चाहता है कि बैठे बिठाए आपको जस्टिस नहीं दे देगा, है ना, सक्सेस नहीं देगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप जो इतनी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो ना, पहले तो चलो किसी चीज में बिजी हो जाओ, ये जस्टिस के दरवाजा को खोलने में बिजी हो जाओ। जब आप किसी काम में बिजी रहेंगे, इस दरवाजे को खोलने में बिजी रहोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट करना है यूनिवर्स से तो उतनी एनर्जी डालनी है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और प्लस आप जब काम में बिजी रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी रहोगे तो गया, खाली घर शैतान का घर नहीं हो, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो आप बिजी रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपको। तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है, चीजें जो चाहते थे नहीं हुई, मिसअलाइनमेंट इन रिलेशनशिप जिसके कारण काफी लॉस फील कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ठीक है मुझे तो बहुत लॉस हुआ है, मुझे तो बहुत हर्ट हुआ है, हर्ट हुआ है क्या उसका, एक्सपेक्टेशन वाले रीडिंग में आपने देखा होगा फाइव ऑफ कप्स था, तो हर्ट तो बहुत हुई है, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हुआ है, बट जस्टिस इज देयर फॉर हर बिग ड्रीम, ओपन द डोर। तो चलो एक इजी ब्रीजी सा कार्ड, या फिर लेट्स टेक दिस कार्ड फॉर गर्ल्स, वी आर टेकिंग दिस कार्ड आउट फॉर दिस मंथ ऑफ मार्च। Blessings and guidance coming for Jia for the month of March, dear angels. चलो यही चाहिए शायद। Past life, focused attention, वो okay। यहाँ पे देखिए, first of all तो देखो ये जो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी हम देख रहे हैं ना, ये वही पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट की कुछ चीजें हैं, यानी कि कोई चीज जिसके लिए हम काफी हमने हमको तकलीफ दे दी दे दिया है उस चीज ने, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी अचानक से क्यों आ गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि वो हम देख रहे थे कि वो धीरे धीरे हील हो रही थी, बट सबकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस के भी नीचे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वूंड है, और वो वूंड कैसे ट्रिगर हो जाता है, हमारे इस लाइफ के इंसिडेंट से ट्रिगर हो जाता है, बट वो कहीं बहुत डीप से आ रहा है, और इसीलिए शायद वो जो आप देख रहे हो ना कि शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट इन क्लियर इन हर हेड, विच ऑल्सो मेक्स हर कम अक्रॉस एज अ स्टबर्न पर्सन, की शी इज पर्टिकुलर अबाउट हाउ टू गो अबाउट इन हर रिलेशनशिप। शायद वो हर्ट नहीं होना चाहती, टेन ऑफ सोर्ड से काफी हर्ट देखा है शायद उसने, तो ये पास्ट लाइफ का कुछ चीज है या पास्ट की कुछ चीजों से ये आ रहा है, यू नो देर इज अ वेरी डीप वूंडिंग हियर,
और इसीलिए यहां पे हर चीज हैप्पी होते हुए भी हम यहां पे देख रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग जब आ रहा है करियर में कुछ न्यू बिगिनिंग मिल रही है उसको, ठीक है, जो उसको ड्रीम्स के पास लेके जाएगी। हालांकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेके जाएगी, हाँ क्लियर रास्ता नहीं है, बट अगर वो हाथ पैर मारेगी तो रास्ता बन जाएगा और जस्टिस भी खुल जाएंगे दरवाजे। हाउएवर जो एक चीज है ना जो वो काफी पर्टिकुलर रहती है, वो पास्ट लाइफ सिचुएशन है। द सिचुएशन इन्वॉल्व अराउंड योर पास्ट लाइफ मेमोरीज बोल सकते हो, पास्ट लाइफ भी बोल सकते हो, या फिर उसकी पास्ट चाइल्डहुड वाइल्डहुड ये भी हो सकता है, पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सब हो सकता है। एंड यस, व्हाट डज शी नीड? शी नीड्स अ एब्सोल्यूट परफेक्ट फोकस कि वो अपने बो को खींच करके एरो को तैयार रहे ताकि जब भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आए तो आप बिल्कुल वहां पे जाके स्ट्राइक करो और ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करो। तो उसके लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी? ये वुंडिंग का कार्ड तो ये पास्ट लाइफ से आ रहा है जो कि धीरे धीरे हील होगा, बट देखो वही चीज है, रास्ते बन रहे हैं। यूनिवर्स ने बोला, यूनिवर्स ने बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्लान तैयार किया है। ठीक है, तुमको फोकस चाहिए, तुमको ड्रीम से जाना है, आई विल मेक द वे फॉर यू, बट इसको ये कोई पजल जैसा होगा, तुमको ये पजल फाइंड करना है। तो अपने फोकस को साध लो, न्यू बिगिनिंग आएगी, उसको तुमको वैसे हिट करना है, रास्ते खुद बनाने होंगे तब तुम जस्टिस के पास पहुंच पाओगे। इस तरह का गेम होता था ना कि आप एक चीज करो फिर आपको क्लू मिलेगा फिर आप आगे बढ़ो, इस तरह की इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, मजेदार। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स है यहाँ पे बिग टाइम। ये देखो थॉट्स का बंदा है, घोड़े पे ऐसे ही सवार है और यहां पे तो वो बिल्कुल तूफान से बात कर रहा है। थॉट्स दिस 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 ऐसे हो रहा है। अब यहां पे देखो उसने क्या बोला है, यूनिवर्स बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है भाई, अपने दिमाग को साध लो, फोकस लाओ अपने में, ऐसे ही खाली दौड़ते मत चलो घोड़े पे बैठ के, तभी तो तुम हिट कर पाओगे। तुमको हिट कहां पे करना है, ये अपॉर्चुनिटी को यहां पे हिट करना है तभी रास्ता खुलेगा। तो फोकस बढ़ना बहुत जरूरी होगा उसके लिए। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स है उसका। फीलिंग्स भी, टू ऑफ कप से फीलिंग्स पता चल रहा है, एस ऑफ कप रिवर्स से फीलिंग्स पता चल रहा है, यानी कि फीलिंग्स भी काफी आउट ऑफ सिंक है, थॉट्स भी आउट ऑफ सिंक है। नो डाउट वो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, हालांकि बहुत एक्टिव लेवल पे नहीं है। ये जो टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये पास्ट का कुछ चीज है, पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दस फार, और इवन पास्ट लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना एक्टिव लेवल पे नहीं है, बट छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो जाता है वो। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट। टारगेट क्या है? टारगेट इज हियर, या इस पे, एंड यू विल मेक योर मार्क। यस, यू विल मेक योर मार्क, यू विल फाइंड योर वे टू द मार्क, यू कैन डू इट। सो ये सारा गाइडेंस आ रहा है, आई होप ये भी तो है ना, जस्ट सक्सेस भी है, जस्टिस भी है, सब दीज आर ऑल डबल कंफर्मेशंस फॉर अ न्यू बिगिनिंग जो कि उसको जस्टिस दिलाएगी। इंटरेस्टिंग इनफ, लुक्स लाइक अ ग्रेट मंथ फॉर जिया, बट नॉट सिटिंग इन आराम से कोजी कॉर्नर में। यूनिवर्स चाहता है कि वो अपने अटेंशन को साधे, फोकस लाए, एक्शन को ठीक करे, थॉट्स को स्कैटर ना करे, यानी कि जो भी चीज है उसको मिलेगी पर उसके लिए उसको मेहनत भी करना पड़ेगा। सो दिस वॉज द गाइडेंस कमिंग फॉर जिया। इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।